sit down. Thank you, Mommy. हम अपने कल के पाठ को ही आज आगे बढ़ा रहे हैं. कल मैंने आपको बताया था कि भोजन में कितने मुख्य तत्व होते हैं. बताओ, कल मैंने बताया था भोजन के तत्व, कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है. याद करके आए हैं सब लोग? Yes. कौन कौन से तत्व होते हैं भोजन में? पहला तत्व बताइए. खड़े होके, कार्बोहाइड्रेट, ये पहला तत्व है. दूसरा तत्व? प्रोटीन. तीसरा? वसा. चौथा? विटामिन. और पांचवा? खनिज लवण. ये पांच तत्व होते हैं जो किसी भी भोजन में होते हैं, और जो हम फल, सब्जी, रोटी, दाल, जो भी खाना खाते हैं, वो उनमें से, इन पांचों में से कुछ न कुछ चीज जरूर होती है. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? किसको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? चीनी, गन्ना, चावल. चावल, आलू, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है. अच्छा, दाल खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन. और मक्खन खाने से क्या मिलता है? वसा. एप्पल खाने से क्या मिलता है? खनिज लवण और विटामिन दोनों. और नींबू खाने से? नींबू एंटी विटामिन. विटामिन मिलता है. जब हम एक थाली परोसते हैं खाने की, सुबह, दोपहर, जब भी हम खाना खाते हैं, तो एक संतुलित थाली क्या क्या है? संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? आंटी चावल, दाल, सब्जी, रोटी. और एक और चीज भूल गई, दही. यस आंटी, दही, सलाद. अगर दाल, रोटी, सब्जी ये खाई और दही और सलाद नहीं खाएंगे, तो खनिज लवण और विटामिन नहीं मिले. देखो, दही या दूध से एक चीज जरूर होनी चाहिए, और दूसरा एक फल या सलाद. सलाद होती मूली, गाजर, प्याज. समझ गए? लेकिन अगर रोज हम लोग मैगी खाएंगे तो वो प्रोटीन नहीं मिलेगा. कुछ नहीं, बस केवल कार्बोहाइड्रेट, मैदा. मैगी तो मैदे की बनी होती है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा हमको. और जो बच्चे प्रोटीन नहीं खाते, वो कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, और जल्दी बढ़ते नहीं. ठीक है, सबको याद हो गया? मैंने कल ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज्यादा मात्रा में खाना है, और वसा सबसे कम मात्रा में खाना है. वसा हमको चिकनी चीजों से मिलता है, विटामिन और खनिज लवण फल और सब्जियों से मिलते हैं. और एक चीज जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बताइए. नहीं, जैसे भोजन तो खाया, उसमें ये पांचों चीजें भी मिल गई. खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं. खाना खाने के बाद पानी. क्या आप जानते हैं एक दिन में हमें कितना जल पीना चाहिए? नहीं, वो तो कम है. उससे ज्यादा भी पीना चाहिए? नहीं, वो 2 से 3 लीटर पानी हर जने को पीना. 8 गिलास, कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, जिसको कहते हैं 2 से 3 लीटर पानी हमें रोज पीना चाहिए. अब जरा दूर चलते हो तो प्यास लगती है ना. हमारा शरीर है ना, ये 70% पानी से बना है. 30% हड्डी है केवल, हड्डी और मांस. 70%. जो आप एक ऐसे फल का नाम बताओ जिसमें पानी सबसे ज्यादा पाए. तरबूज. तरबूज को नाम पढ़ो इंग्लिश में. वाटरमेलन. क्यों वाटर नाम लगा है? क्योंकि उसके पानी पानी है. वाटरमेलन एक ऐसा फल है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, इसीलिए नाम ही है उसका वाटरमेलन, है ना? तरबूज, इसीलिए उसका नाम ही वाटरमेलन रखा गया है. तो हमें एक तो इन पांचों तत्वों जिसमें पाए जाते हैं, ऐसा संतुलित भोजन करना चाहिए. सबसे पहले तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए. इस संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? बोलिए. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
वसा, विटामिन, विटामिन एवं खनिज लवण। और इसके अलावा संतुलित भोजन तो करना ही चाहिए, इसके अलावा हमें जल या पानी 2 से 3 लीटर रोज पीना चाहिए, और स्वच्छ और साफ पानी पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि जो भोजन हम लोग खाते हैं रोज, सुबह से लेकर रात तक हम लोग पता नहीं कितनी बार खा लेते हैं ना, बीच बीच में भी खाते रहते हैं, भूख लगती है फिर खा लेते हैं, तो कुछ भोजन तो ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट कच्चा ही खा लेते हैं, लेकिन कुछ भोजन ऐसे होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जिनको पकाना पड़ता है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि हमें भोजन पकाने क्यों पड़ते हैं? हम हर चीज कच्ची क्यों नहीं खा सकते? हम हर चीज को कच्चा क्यों नहीं खा सकते? जैसे आलू है ना, गाजर तो हमने काटी मुंह से खा ली, फल भी सारे कच्चे खा लेते हैं, है ना, लेकिन हम उसको क्यों नहीं, आलू भी तो सब्जी है, जब गाजर सब्जी है आलू भी सब्जी है, लेकिन गाजर तो हमने कच्ची खा ली लेकिन आलू नहीं खाया कच्चा, क्यों? स्वाद के लिए, वो तो ठीक है, नहीं नहीं क्यों पकाना क्यों पड़ता है आंटी? क्योंकि पकाएंगे तभी आंटी खाना खाएंगे और आंटी तभी उन लोग के आंटी। देखो आलू को कभी किसी ने कच्चा खाने की कोशिश की है? अगर करेंगे भी ना तो मुंह में एक लुगदी जैसी बन जाएगी और उसका स्वाद भी नहीं आएगा, और तुम कटकटी करते रहोगे, आलू चबेगा नहीं तुमसे, क्योंकि वो सख्त होता है। देखो प्याज हम कच्ची खा लेते हैं क्योंकि मुलायम होती है, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत सारी होती है तो वो कच्ची खाई जा सकती है और हमारे जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो उसको पका लेते हैं, पचा लेते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां कठोर होती हैं और वो हमारे पाचन तंत्र के लिए सही नहीं है। जब तक हम उनको आंच पर पकाएंगे नहीं, हमें पेट में दर्द होने लगेगा, मतलब हम उसको पचा नहीं पाएंगे और उनका जो मुख्य तत्व है वो हमारी बॉडी में जा नहीं सकता है। अब आप बताओ कि जो छोटा बच्चा है वो तो केवल दूध पीता है, तो वो क्यों नहीं पपीता गाजर और ये सब फल है खाता है? दूध नहीं, जब उसके दांत ही नहीं है तो चबाएगा क्या है? लेकिन हम लोग देखो, अच्छा अब आप एक बात बताओ कि जो शेर है ना उसके तीखे तीखे दांत होते हैं, लेकिन हमारे जो दांत होते हैं इतने मजबूत नहीं है कि हम इतनी कठोर चीजों को खा सकें, कि दाल को, सूखी दाल को चबा सकें, इसीलिए हमको उनको पहले मुलायम करना पड़ता है, उनको पकाना पड़ता है, जब वो थोड़ी गल जाती हैं तब उसमें मसाले और घी डाल के उसका स्वाद हम लोग तड़का लगाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तब हम लोग उसको खाते हैं, जैसे चावल है गेहूं कुछ पका के खाई जाती है। तो भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियां। आप सब लोग भोजन पकाते हैं? सब लोग घरों में अपने अपने भोजन पकाते हो, खाना बनाते हो, सब लड़कियां बनाते हो? तो अब मुझे आप बताओ विधियां कौन कौन सी हैं भोजन पकाने की, किसकी विधियां? भोजन पकाने की कौन कौन सी होती है बताओ? नहीं नहीं विधि का मतलब कि गैस की जरूरत नहीं, लाइक आप लोग बेटा आज तुम्हारे घर में क्या खाना बना था? आज आंटी मेरे वहाँ गोभी आलू की सब्जी। कैसे बनाई थी आंटी? तड़का लगा के। नहीं पहले गोभी और आलू को काटा, फिर क्या किया आंटी? उसके बाद नहीं नहीं मतलब कढ़ाई में डाला ना? यस आंटी। और उसको आपने ढक्कन लगा दिया? यस आंटी। नमक डाला? तो एक होता है उबालना, एक तरीका होता है उबालना, और ये जो सब्जी बता रही है आलू गोभी की, उसको कहते हैं भाप में पकाना, मतलब आलू और गोभी के अंदर खुद का जो पानी होता है ना, ढक्कन लगाते हैं नमक लगाते हैं वो गल जाती है, फिर उसमें मसाले डालते हैं,
तो उसको आंच पर उसी के पानी में पकाना, जो सब्जी के अंदर पानी छुपा हुआ है उसी के, जब वो गल जाती है तब हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, जब हमें आलू के पराठे बनाने हो, आलू की टिक्की बनानी हो या दाल खानी हो तो हम उबालते हैं ना, उसमें बाहर का पानी डालते हैं। जैसे कुकर लिया, उसमें पानी डाला, उसमें सब्जी डाली, जैसे मटर उबाली, आलू उबाले, छोले उबाले, राजमा उबाले, तो एक तरीका होता है खाना बनाने का, क्या होता है बताओ? सब लोग इतने चुप बैठे हो, क्या लगता है तुमने कभी आलू उबाले ही नहीं? उबाले हैं कि नहीं? तो फिर बताओ कि पहला तरीका क्या होता है? उबालना। ये सबसे आसान तरीका है, ये खाना बनाने का सबसे आसान तरीका। बस खाली पानी डालो, सब्जी डालो, कुकर बंद करो, सीटी लग गई, उबल गई सब्जी, है ना? जिसको खाना बनाना नहीं आता वो भी सब्जी को उबाल सकता है ना? सबसे पहला होता है उबालना। उबालने के बाद हम कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं। जब आलू उबल गया तो चाहे उसका तुम पराठा बनाओ, चाहे टिक्की बनाओ, चाहे ऐसे उबले हुए आलू में नमक मिर्ची डाल के खा लो, जो मर्जी आए। चाहे आलू की सब्जी भी उबाल के बनाई जा सकती है, कि आलू उबाला, छौंका लगाया, उसमें पानी डालो, सब्जी बन गई। समझ गए? पहला तरीका क्या होता है? चावल उबाल के बनते हैं, दाल उबल के बनती है, आलू उबल के बनते हैं, मटर उबल के, बहुत सारी सब्जी और दालें हम लोग उबाल के बनाते हैं। उबालने में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका होता है, ये क्या है? तलना। क्या होता है? किसी ने समोसे खाए? वो पानी में तो नहीं उबलेंगे, वो तेल में तले जाएंगे। जब हम कढ़ाई में खूब सारा तेल डालते हैं, आंच पे उसको गर्म करते हैं, और जब हम उसमें पूड़ी को तेल में तलते हैं ना, पूड़ी, समोसा, पकौड़े, जितने भी स्नैक्स होते हैं, जैसे कोफ्ते की सब्जी है, इन सब में हमें उनको तलना पड़ता है। जैसे खुले घी में या खुले तेल में आपको आंच पे उसको डालेंगे और करछी से उसको निकालें। ये एक दूसरा तरीका है खाना बनाने का, जिसमें कि आपको तल के आप किसी चीज को खाना बनाते हो। और भी कोई तरीका है? किसी को नहीं आता? पढ़ो। भूनना। कभी कभी हम लोग जैसे कोई रोटी अंगारों पे सेकते हैं, बाटी होती है या तंदूर की रोटी होती है, आग में डालते हैं। बैंगन का भरता, शकरकंद, शकर, और जो लोग मांस मच्छी खाते हैं वो लोग मुर्गे को भी तो आंच पे पका के खा सकते हैं। तो ये होता है भूनना, जिसको डायरेक्ट अंगारों पे, डायरेक्ट कोयले के ऊपर रख के पकाया जाता, तब भी खाना पक जाता है। खाना पक जाता है, रोटी भी सिक जाती है, बाटी भी सिक जाती है, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट आग में पक जाती हैं, उसको कहते हैं भूनना, मतलब आग के अंदर उसको भूनना। अच्छा, और एक और नया तरीका आजकल निकला है खाना बना, नया तो नहीं है लेकिन बताइए उसको क्या कहते हैं? किसी ने केक नहीं खाया है? केक खाते हो, बिस्किट खाते हो, तो वो तो तवे पे नहीं बनते ना, तो वो किस पे बनते हैं? उसको, उस विधि को क्या कहते हैं? बेकिंग, माइक्रोवेव कहते हैं। लेकिन माइक्रोवेव में भी बेकिंग मतलब उसको केक को बेक किया जाता है, सेका जाता है, सिकाई जैसे कहते हैं ना जिसको, बिना पानी के, बिना उसके, केवल गर्म किया जाता है, उसमें पानी नहीं पड़ता है ना, तो उसको कहते हैं बेकिंग। जो बेकरी के जितने भी बिस्किट्स खाते हो वो भी एक खाना बना, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, ये सारी चीजें बेकिंग की चीजें कहलाती है। ब्रेड खाते हो बाजार की, वो भी बेक की जाती है ना। समझ गए? चौथा तरीका है बेकिंग। जितने भी तरह के केक और बिस्किट होते हैं वो सब बेकिंग से, बेकरी से, इसीलिए उसका नाम है बेकरी, कि वहां पे बेक करके चीजें दी जाती हैं, भट्टी में उसको सेका जाता है, एक भट्टी जैसी होती है जिसमें उनको सेका जाता है, और फिर वो फूल जाती है ब्रेड, और फिर उसको काट के हम लोग खाते हैं। अब बताइए हमने भोजन बनाने की आपको कितनी विधियां बताई? उबाल, बोलिए, ये चार तरीकों से हम लोग भोजन को पका सकते हैं,
और उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं कि जिससे कि हमारे शरीर को उन सारे तत्वों का फायदा मिले। हमने ये जान लिया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमने ये जान लिया कि हमें किस विधि से उसको पकाना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि हमें भोजन को परोसना कैसे है, समझ गए। और एक और बात, परोसने से पहले हमने विधियां तो जान ली, अब जब आप घर में अगर कोई सब्जी लाते हैं तब उसको कैसे बनाते हैं, अभी रुकिए मैं किसी बच्चे से ही पूछूंगी, रुको, कि कौन कौन बच्चा घर में रोज खाना बनाता है, तो बनाती हो, खड़े हो। जब आपके घर में जैसे आज लौकी आई है या गाजर आई है या कुछ, तो सबसे पहले क्या करती हो आंटी? सबसे पहले मैं धुलती हूँ, उसके बाद छीलती हूँ, उसके बाद धुल के फिर काटती हूँ, तब उसके बाद नहीं, आपने बोला सबसे पहले कि सब्जी को ला के धोते हैं, गुड, वेरी गुड, कि हमें बाहर से सब्जी लाने सबसे पहले धोनी है, क्यों धोनी है? कीटाणु, जैसे लौकी को तुमने धोया है, धोने के बाद उसको पील किया मतलब छिलका उतारा, उसके बाद आंटी काटते हैं फिर धुलते हैं? नहीं, जब हम सब्जी को पहले धुल लेते हैं ना और छिलका उतार लेते हैं तो पूरी धो लो लौकी, उसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है। अंदर का हिस्से में तो कीटाणु नहीं है ना लौकी में, बाहर के खाल में विटामिन चली जाएंगे। कोई कोई सब्जी को बार बार धोते हैं तो विटामिन निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमें सब्जी को काटने से पहले धोना है, ये नहीं कि हमने खूब सारी सब्जी काट दी अब पानी में डाल दी तो पानी में सारे विटामिन चले गए, समझ गए। सबसे पहले हम लोगों को धोना है उसके बाद काटना है, बहुत ज्यादा मसाले उसमें नहीं डालने हैं। और खाना परोसते समय जिस भी थाली में कटोरी में आप खाना डाल रहे हो वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसको कपड़े से पोंछना, उसमें कहीं पर भी गंदगी या जूठन लगी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जिस बर्तन से करछी से चम्मच से आप परोसते हैं वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर हम गंदगी वाले बर्तन में खाना बनाएंगे तो क्या होगा? और बहुत देर तक सब्जी को पकाना नहीं चाहिए, जिससे कि उसके सारा स्वाद खत्म, न जलाना चाहिए न बहुत ज्यादा देर तक उसको पकाना चाहिए। जब खान, और सबसे बड़ी बात, हम जब भोजन को खाते हैं, जब भी हम भोजन को परोसते हैं खाते हैं, तो जब हम परोसते हैं तो हमें दाल को कैसे बर्तन में परोसना है? कटोरी में। और चावल को प्लेट में। तो जब आप किसी को परोसते हैं तब हमें उसको सजा कर परोसना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आंखों से खाते हैं, मतलब मैंने बोला क्या हम आंखों से खाते हैं? लेकिन मैं कहती हूँ कि हम आंखों से खाते हैं, पता है कैसे? मतलब ये होता है कि जब आप कुछ भी चीज को देखते हो और आपको वो देखने में सुंदर लगती है तो आप उसको खाते हो, अगर देखने में वो उसका रंग हल्दी नहीं है, मसाले नहीं है, उबला हुआ है, मतलब बीमारों का खिचड़ी लग रहा है, मैं तो नहीं खाऊंगी इसको। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को हम आंखों से खा, अभी जैसे आप बर्गर है, पिज्जा है, मैक्रोनीज है, कितने सजा कर केक को रखते हैं जिससे कि मन होता है खाने का, और अगर साफ सुथरा होता है तो और ज्यादा मन होता है, अगर गंदी प्लेट होती है तो हम छोड़ देते हैं, है ना। हम नहीं खाते। और भोजन को परोसने से पहले किचन में जहां भी खाना बनता है ढककर रखना चाहिए, कोई भी चीज खुली नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अब आप एक होमवर्क लिखेंगे कि हमें भोजन को परोसते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, समझ रहे हैं। और कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि हम भोजन भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार क्यों हो जाते हैं, हमें क्यों लगता है कि अरे इसको बुखार हो गया, इसको खांसी हो गई, इसको जुकाम हो गया, आंटी ये तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके पेट में दर्द है। तो हम ये कल जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है,
नहीं कल जानेंगे, आज आप पढ़ के आओगे, आज आप घर से पढ़ के आओगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या नियम, क्योंकि अभी हमारा पाठ पूरा नहीं हुआ है, हमने केवल भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन तो पढ़ लिया लेकिन भोजन का स्वास्थ्य से डायरेक्ट कनेक्शन है ना, जैसे आपके जो मार्कशीट मिलती है नंबर, उसका कनेक्शन सीधा पढ़ने से है, पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं। इसी तरह से अच्छा भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कल हम ये पढ़ेंगे कि कौन से भोजन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और कौन सा भोजन न करने से हम बीमार हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। हम बीमार, कोई बीमार होना नहीं चाहता है, होना चाहता है क्या? कोई भी बच्चा बीमार या कोई भी इंसान बीमार नहीं हो। कल हम पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों होते, ठीक है।